है, कह रहे हमारी खिलौने की दुकान है और म्यूजिक वाले खिलौने भी हमने रखे हुए हैं, और कस्टमर आता है तो उसको चेक करवाना पड़ता है, तो चेक करवाने के कैसा है और इसकी खरीदो फरोख्त करना कैसा है, इसकी आमदनी क्या हराम है, ये शायद फरमाना। म्यूजिक नाजायज़ है, ये मसला शरई जो है वो हर दीनदार आदमी जानता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे शैतान की आवाज़ करार दिया और इसे नापसंदीदा आवाज़ों में से करार दिया और क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से करार दिया कि लोग मज़ामीर को और मआज़िफ़ को हलाल समझेंगे। तो लिहाजा इसका जो अदम जवाज़ है वो वासे है। अब ये है कि बेचने के लिए म्यूज़िक सुनाते हैं तो ये सुनाना भी गुनाह है कि जब म्यूज़िक चलाएंगे तो जो सुनेगा उसके सुनने में ये मुआवनत है और गुनाह पर मदद करना ये जायज़ नहीं है। क़ुरान मजीद की आयत मुबारक है, फरमाया वला तआवनू अलल इस्मी वल उदवान, और गुनाह और ज़्यादती के कामों पर एक दूसरे की मदद ना करो। तो लिहाजा ये सुनाना भी गुनाह पे मदद है और ऐसे खिलौनों का बेचना भी गुनाहों पे मदद है, लिहाजा इसके बेचने की भी इजाज़त नहीं है।